नमस्ते बच्चों, माय नेम इज भवानी। आई एम वर्किंग इन बारादी दासनार मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल एज हिंदी टीचर। चलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाली हूँ, देखते हैं। क्लास सेवेंथ में से एग्जाम सिक्स विशारद उत्तराद में से मैं आप लोगों को पंचवटी सिखाने वाली हूँ। पंचवटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंचवटी? पंचवटी का मतलब होता है पांच वृक्ष, फाइव ट्रीज। सो दिस इज अ स्टोरी। यहाँ पर जो है रामचरित्र मानस लंदु ஒரு பகுதி எடுத்திருக்காங்க. யார் எடுத்திருக்காங்க? மைத்ரி சரண் குப்துஜி வந்து ராமச்சரித்ர மானஸ். இட்ஸ் அ ராமாயணோடைய ஃபுல் ஸ்டோரி. ஆனால் இதில் வந்து ஒன் பார்ட் எடுத்திருக்காங்க. எந்த பார்ட் எடுத்திருக்காங்கன்னா, ராமர் சீதர் அஸ் வெல் அஸ் லக்ஷ்மன் எங்கே போகிறாங்க? வனவாசத்துக்கு போகிறாங்க. ஸோ அந்த பார்ட் ஒன்லி வி ஹவ் செட் இன் த பஞ்சவட்டி. ஸோ அவங்க அந்த காட்டில் வந்து எந்த இடத்துல இருக்காங்கன்னா, ஒரு பஞ்சவட்டின்னு ஒரு இடத்துல இருக்காங்க. ஸோ ஃபைவ் விரிக்ஷ், அந்த விரிக்ஷுக்கு நடுவில் ஒரு குட்டியா, குட்டியா மீன்ஸ் காட்டேஜ் சேர்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் ஒன்லி இஸ் பஞ்சவட்டி. மைத்ரி சரண் குப்த் ஹூ ஹஸ் ரிட்டன் பஞ்சவட்டி? பஞ்சவட்டி ரிட்டன் பை மைத்ரி சரண் குப்த். நாம், நாம் ஜோ ஹை இன்கா, மைத்ரி சரண் குப்த், உன்கா நாம் ஜோ ஹை மைத்ரி சரண் குப்த். ஜன்ம ஜோ ஹை 1889, கஹாம் பர் ஹுவா? ஜன்மஸ்தான், விச் பிளேஸ் பார்ன்? ஜன்ம स्थान, जन्म स्थान जो है चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश। चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश, उनके रचनाएं। रचनाएं कौन कौन से हैं? पंचवटी, साकेत, यशोधरा आदि। ठीक है, बाद में जो है यशोधरा, यशोधरा आदि उनके रचनाएं हैं। अभी जो है लेट्स सी द खंड काव्य। आई ऑलरेडी सेड रामचरितमानस, रामायण इज अ बिग स्टोरी, यस ऑर नो? सो इन दैट वन पार्ट ओनली एस टीक है। सो यहां पर जो है दशरथ, दशरथ, हु इज दशरथ? दशरथ जो है राम के पिताजी। दशरथ इज फादर ऑफ राम। नाउ दशरथ जो है वह जो है राम को आज्ञा दे रहे हैं। आज्ञा, आज्ञा का मतलब होता है, आज्ञा मीन्स ऑर्डर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आज्ञा? ऑर्डर। दशरथ जो है राम को 14 इयर्स, कितना साल जो है 14 इयर्स कहाँ पर जाने के लिए कह रहे हैं? वनवास, वनवास,
वनवास का मतलब होता है ई एक्स आई एल ई एक्स आई सो इंतना दशरथ कैके दशरथ वो राम कट वो और आडर पड़े पड़ा 14 इयर्स नहीं वो का वनवास As per the order of the father, राम जो है वनवास जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं सो राम नाउ व्हाट राम इज डूइंग ही जस्ट वांट टू गो टू द वनवास ठीक है सो राम जाते वक्त जो है लक्ष्मण और सीता जी भी जो है उनके साथ वनवास जाती है ठीक है अभी यहाँ पर देखिए तो क्या होता है सो राम लक्ष्मण सीता यह सब लोग जो है वनवास जा रही हैं सो वहाँ जो है कौन से जगह पर जा रहे हैं वह जो है पंचवटी दे वेंट टू अ प्लेस कॉल्ड पंचवटी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंचवटी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यस वेयर दे आर मेकिंग द कॉटेज मीन्स दैट फाइव ट्रीज आर देर यहाँ पर देखो तो पांच वृक्षों के समूह के बीच में उन्होंने जो है पांच वृक्षों के बीच में जो है रामन जो है एक कुटिया बनाकर वनवास में रह रहे हैं राम लक्ष्मण और सीता कुटिया में सो सियर पंचवटी पांच वृक्षों के बीच में उन्होंने जो है दे मेड अ कॉटेज एंड दे आर लिविंग इन द फॉरेस्ट एज पर द ऑर्डर ऑफ द दशरथ हाउ मेनी इयर्स 14 years vanavas but 13 years they were there in the panchavati kutiya kutiya ka matlab hota hai cottage c o t t a g e cottage अब देखो तो प्राकृतिक सौंदर्य प्राकृतिक का मतलब होता है प्राकृति 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 का मतलब होता है नेचर एन ए टी यू आर ई नेचर सौंदर्य सौंदर्य का मतलब होता है ब्यूटीफुल बी ई ए यू टी आई एफ यू एन नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग नाउ सीता इज एडमायरिंग द नेचर बिकॉज फॉरेस्ट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस वहाँ जो है यहाँ पर देखिए तो सीता जो है प्रकृति को जो है क्या कर रही है Admiring, ठीक है प्रकृति को जो है सौंदर्य को बहुत बहुत पसंद करके उसको देख रही है लक्ष्मण प्रहारी के रूप में Now, one night, what is happening? क्या हो रहा है एक रात को और नाइट लेना होता ना रामनो सीधयो कुटिया कुटिया ना कॉटेज कुल इरकरांग दैट टाइम व्हाट वाज हैपन लक्ष्मण जो है प्रहारी प्रहारी मींस प्रहारी 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 का मतलब होता है लाइक बॉडीगार्ड बी ओ डी वाई बॉडी जी यू ए आर डी सो अभी जो है एक रात को वन नाइट सीता राम जो है कुटिया के अंदर है तब लक्ष्मण जो है एक चट्टान के ऊपर एक रॉक में प्रहारी के रूप में बैठकर उनको देखभाल कर रहे हैं लक्ष्मण वन और प्रकृति के बारे में नाउ लक्ष्मण सिटिंग ऑन अ रॉक आउटसाइड एंड He is admiring the nature.
नेचर है कि नहीं। रात के वक्त जंगल जो है बहुत ही सुंदर लगता है। एट द टाइम ऑफ नाइट हाउ द फॉरेस्ट विल बी, इट विल बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल लाइक मून, जस्ट जो है चांद जो है कहाँ पर, तालाब में गिरने के जैसे। बाद में पत्ते सब, पत्ता मीन्स लीव्स, एवरीथिंग वेरी वेरी ग्रीनरी, अपर में ड्यू ड्रॉप्स, एवरीथिंग। सो हाउ द फॉरेस्ट विल बी, इट विल बी अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल, है कि नहीं। सो यहाँ पर जो है लक्ष्मण वन और प्रकृति के बारे में, सो यहाँ पर जो है लक्ष्मण, लक्ष्मण सिटिंग हियर एंड एडमायरिंग द नेचर। यस, प्रकृति का मतलब होता है नेचर। शांत, शांत का मतलब होता है मून। यहां पर देखो चांद है। पत्ते, पत्ते का मतलब होता है लीव्स। ओस, ओस का मतलब होता है ड्यू ड्रॉप्स। ठीक है। सो अभी जो है यहां पर जो है लक्ष्मण जो है इस प्रकृति को ही बहुत ही अच्छे तरह से क्या कर रहे हैं, प्रकृति को बहुत ही अच्छे तरह से एडमायर कर रहे हैं। देखिए तो एट द टाइम व्हाट इज हैपनिंग, चलो देखते हैं यहाँ पर जो है क्या होता है। सूर्पनखा, हु इज सूर्पनखा मां? अंजना, यू नो हु इज सूर्पनखा? यस, ओके, आई विल एक्सप्लेन हु इज सूर्पनखा। सूर्पनखा जो है रावण की सिस्टर। यस, ओके, नाउ व्हाट इज दैट, लक्ष्मण इज सिटिंग ऑन अ रॉक एंड एडमायरिंग द नेचर एट द नाइट टाइम। यस, दैट टाइम व्हाट इज हैपनिंग, सूर्पनखा, सूर्पनखा जो है एक सुंदर रहस्यवादी के रूप में आती है। सो व्हाट इज द मीनिंग, सूर्पनखा शी इज कमिंग लाइक अ वन ब्यूटीफुल गर्ल इन द फ्रंट ऑफ लक्ष्मण। ठीक है, यहां पर देखो तो रहस्यवादी, रहस्यवादी का मतलब होता है स्पाई, रहस्यवादी का मतलब होता है स्पाई। सूर्पनखा एक स्पाई के जैसे बहुत ही सुंदर, शी इज डेकोरेटेड पूरे गहना, गहना, गहना का मतलब होता है ज्वेल्स, ELS, ज्वेल्स। सो शी हैज ड्रेस्ड वेरी ब्यूटिफुली एंड जस्ट केम इन द फ्रंट ऑफ लक्ष्मण। लक्ष्मण के यहाँ पर आके नाउ शी इज टॉकिंग विद लक्ष्मण। व्हाट शी इज सेइंग दैट, लक्ष्मण आप जो है मेरे से शादी कर लो। शादी का मतलब होता है, शादी का मतलब होता है मैरिज, IAGE, मैरिज। नाउ सूर्पनखा इज फोर्सिंग लक्ष्मण टू गेट मैरिड, बट लक्ष्मण इज सेइंग दैट नो, आई विल नॉट मैरी यू। सो देन सूर्पनखा, देयर वाज अ कंट्रोवर्सी बिटवीन सूर्पनखा और लक्ष्मण के, लक्ष्मण के बीच में जो है वाद विवाद होता है। सूर्पनखा इज सेइंग टू द लक्ष्मण, सी यह जो है क्या बोलते हैं रात्रि, एट द नाइट टाइम वन ब्यूटिफुल गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू लक्ष्मण जस्ट आस्किंग दैट व्हाट यू वांट, यू शुड आस्क दैट तुम्हें क्या चाहिए, बट यू आर आस्किंग दैट हु आर यू। ओके, अब लक्ष्मण जो है दोनों के बीच में वाद विवाद होता है। सो बोथ स्टार्टेड कॉन्वर्सेशन विद द ईच अदर। At last, what happened? Surpanaka got
एंग्री है कि नहीं? सूर्पनखा को बहुत ही गुस्सा आया. सो அந்த நேரத்துல என்னாச்சு, அவ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்படி வந்தானா, அவளோட ஸ்வய ரூபத்துல வரல, எப்படி வந்தானா, ஒரு அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வரான். ஸோ அவளுக்கு வந்து லக்ஷ்மன் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டான்னு சொன்னோடனே ஷி காட் ஆங்கிரி. அப்போ என்னன்னா, நவ் ஷி கேம் டு த ஒரிஜினல். வாட் இஸ் தட்? யெஸ், நவ் சூர்பனகா கேம் டு த ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரக்சர் ஹே கி நீ. உஸ் டைம் பே கியா ஹுவா தேக்தே ஹேம். Now see here, Surpanaka ko kya hua? Now Lakshman got angry. Now Lakshman, what he did? He just cut the nose as well as ear of Surpanaka. ठीक है, Lakshman को इतना गुस्सा आया कि उसने जो है Surpanaka का नाक और कान को काट दिया. नाक, नाक का मतलब होता है नोस. कान, कान का मतलब होता है ears. काट, काट का मतलब होता है कट. नाउ व्हाट हैज हैपेंड? लक्ष्मण एंग्रीली, व्हाट ही डिड? ही जस्ट कट द नोस ऑफ Surpanaka. ओके, ठीक है बच्चों, नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड पंचवटी. यस, पंचवटी जो है, आई ऑलरेडी सेड, इट्स नथिंग बट 14 इयर्स राम वेंट टू द फॉरेस्ट. यस, यार ऑर्डर பண்ணதனால அவங்களோட அப்பா தசரத் பண்ணதனால அவர் காட்டுக்கு போனார். ஸோ காட்டுக்கு போனதுனால இது ஒரே ஒரு பார்ட் தான். எந்த பார்ட் எடுத்திருக்காங்கன்னா, அந்த ஃபாரஸ்டில் வந்து ராமர் சீதை லக்ஷ்மண், ஒரு நைட்டில் என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்க குட்டியால் இருக்கும் போது லக்ஷ்மண் வந்து வெளியே வந்து அவருடைய பிரகாரி பாடி கார்டு மாதிரி இருந்துட்டுருக்கார், ஒரு ராக்ல உட்காந்துட்டுருக்கார். ஸோ ராக்ல உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுது, யூ வாஸ் ஜஸ்ட் அட்மைரிங் த நேச்சர், எவ்ரி திங் நடந்துட்டுருக்கு. அப்போ வந்து சூர்பனகா வந்து லக்ஷ்மண் கிட்ட ஷி சேயிங் தட் ஷி வாண்ட் டு மேரி லக்ஷ்மண். ஸோ லக்ஷ்மண் வந்து கோவத்தில் என்ன பண்ணுறாரு, அவருடைய நாக்கும் காதையும் கட் பண்ணிடுறாரு. ஸோ திஸ் பார்ட் ஒன்லி வி செட் இன் த விஷாரத் உத்ரத். ठीक है, सो ओके, नाउ व्हाट अबाउट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द सवाल एग्जाम. लेट्स सी, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए. सो व्हाट इज द थिंग इज दैट मींस दे विल गिव द ईआरसीस, यू हैव टू राइट द ईआरसी. ओके, बाद में जो है चरित्र चित्रण कीजिए. पंचवटी के आधार पर पंचवटी में लक्ष्मण की मनोदशा का वर्णन कीजिए. So what is the meaning? Manodesha means at the time when he was sitting on the rock, night time. எப்படி இருந்தாலும் யாராக இருக்கட்டும், ஒரு தனியாக யாருனா வந்து உட்காந்துட்டு இருந்தால் அவங்களோட மனசுக்குள்ளே நிறைய விஷயங்கள் ஓடும். ஸோ அதே மாதிரி தான் லக்ஷ்மணோட மனசுக்குள்ளே ஆல்சோ நிறைய விஷயங்கள் ஓடிச்சு. என்ன விஷயங்கள் ஓடிச்சு? அவர் வந்து அந்த அட்மயர் பண்ணிட்டு இருந்தார் நேச்சரு. ஸோ தேட் ஒன்லி யூ ஹவ் டு ரைட் இன் திஸ் லெசன். பஞ்சவட்டிக்கு ஆதார் பர் Surpanaka ka charitra chitran kiji. So according to the Panchavati, you have to write the characteristics of Surpanaka. Panchavati ke aadhar par Lakshman evam Surpanaka ke vaad vihad ka chitran kiji. So what the controversy is going on between the Surpanaka and Lakshman? That question they will ask. Khand kavya ki drishti se Panchavati ka varnan kiji. So you have to explain the Panchavati. Baad mein jo hai टिप्पणी लिखिए. सो टिप्पणी ऑल्सो व्हाट दे विल आस्क. पंचवटी के आधार पर राम का चरित्र चित्र कीजिए. राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राम. राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीता. बाद में जो है पंचवटी खंड काव्य की प्राकृतिक सृष्टा का वर्णन कीजिए. अबाउट द ब्यूटिफुल नेचर इन द पंचवटी है कि नहीं? बाद में जो है पंचवटी का प्रधान पात्र आप किसको समझते हैं? इन दिस पंचवटी विच कैरेक्टर यू थिंक दैट इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर? इट मीन्स यू कैन राइट एनी कैरेक्टर, लक्ष्मण, राम, सूर्पणखा, एनीथिंग, दैट इज योर चॉइस. ओके, यू हैव टू राइट. तर्क संगत उत्तर प्रस्तुत कीजिए. सो लाइक दैट यू हैव टू राइट द आंसर. ओके, तो अभी जो है आप लोगों को समझ आ गया
होगा व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क इन द पंचवटी. ठीक है, ओके. इन द डिस्क्रिप्शन वी हैव अटैच्ड द स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक एज वेल एज क्वेश्चन पेपर. द क्वेश्चन पेपर हैज बीन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द सभा एग्जाम. यू हैव एनी डाउट, गो थ्रू द स्टडी मटेरियल, यू विल बी क्लियर. टेक क्वेश्चन पेपर, राइट टेस्ट. धन्यवाद.